बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम राहतुल्ला फ्रॉम कायद आजम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज सवाबी। तो आज का हमारा चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी। ठीक है, सेक्सुअलिटी है क्या? ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला तो हमने इंट्रोडक्शन करवाना है कि सेक्सुअलिटी है क्या। लेकिन इससे पहले देखिए, ये चैप्टर चूंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो हमें मेन पॉइंट और उसको डिटेल के साथ बताना होगी। लेकिन आप लोग वीडियो देखने से पहले जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप लोगों ने माइंड नहीं करें, ठीक है, उसको आप बस नोट करें, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये ताल्लुक रखता है हमारे लाइफ के साथ। ठीक है, तो बाहर के इसको माइंड ना करें, मैंने ये बात करनी थी आपके साथ। जो सेक्सुअलिटी है क्या? सेक्सुअलिटी इनकंपेसेस ऑल दोस थॉट फीलिंग एंड बिहेवियर कनेक्टेड विद सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूड द अट्रैक्शन ऑफ वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, सेक्सुअलिटी क्या है? सेक्सुअलिटी देखिए, वो फीलिंग, वो एहसास, वो ख्यालात जो किसी सेक्स के बारे में आपके अंदर जनरेट होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके जहन के अंदर एक ख्याल, एक तस्वीर पैदा होती है कि मैं सेक्स को परफॉर्म करूँ, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करो, उसमें आपका अट्रैक्शन होता है सेकंड पार्टनर, यानी एक मेल के जहन में एक फीमेल के साथ कपुलेशन, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की जो फीलिंग, जो थाट, जो एहसास, ख्यालात आपके जहन में पैदा होते हैं, ये ख्यालात एक्चुअली क्या होती है? सेक्सुअलिटी होती है। और इसमें मेन फोकस हमारा रिप्रोडक्शन के ऊपर होती है कि मेल और फीमेल जब मिल जाते हैं तो मेल और फीमेल के मिलने से मिसाल के तौर पर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बन जाती है। एम्ब्रियो के बाद हमारे पास फीमेल के यूट्रस के अंदर फीटस की इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है, और उसके बाद 9th मंथ के बाद एक सक्सेसफुल डिलीवरी होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। और पैर दो, अब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जो डिलीवरी हो गई, जो इन्फेंट पैदा हो गया, तो ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकती है। लेकिन याद रखे, अगर ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फर्टाइल, दूसरा होते हैं स्टेराइल। ये जो बच्चा पैदा हो गया, फर्टाइल का मतलब ये कि ये बच्चा अपने यानी आगे लाइफ में दूसरे बच्चों को भी पैदा कर सकते हैं। स्टेराइल का मतलब ये है कि ये आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्यों नहीं पैदा कर सकते? ये उसकी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन बाहर के फिर सेक्सुअलिटी का सिंपल मतलब ये कि सेक्स के बारे में, कि आप सेक्स परफॉर्म करें, इसके बारे में जो आपके माइंड के अंदर जो फीलिंग, थॉट्स पैदा होती है, वो ये आपके पास क्या होती है? सेक्सुअलिटी। इट इज़ अ की फैक्टर और प्रिंसिपल रिलेशनशिप एंड द फॉर्मेशन ऑफ आवर फैमिली। अच्छा, जब आप सेक्सुअलिटी को सक्सेसफुली परफॉर्म करें, ठीक है, सेक्सुअलिटी को जब आप सक्सेसफुली परफॉर्म करें तो ये आपकी फैमिली बनाने में इम्पॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर कोई हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है और उसने सक्सेसफुली सेक्सुअलिटी प्रोसेस को परफॉर्म किया, उसके बच्चे पैदा हो गए, वो बच्चे बड़ा हो गया, फिर उसने शादी की और फिर उसके बच्चे पैदा हो गए, और इसी तरह फैमिली बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर किसी हस्बैंड वाइफ की सक्सेसफुल सेक्सुअलिटी हो गई लेकिन उसका बच्चा पैदा हो गया, लेकिन वो बच्चा स्टेराइल है, वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सके, तो यहाँ पर फैमिली स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो सक्सेसफुल सेक्सुअलिटी के रिजल्ट में आपका फैमिली बन सकती है, ठीक है। इट इज़ आल्सो अ कॉमन सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। कभी कभार ये हमारे पास प्रॉब्लम भी कॉज कर सकते हैं, यानी कभी कभार फैमिली में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है ना जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, उसका इलाज नहीं पॉसिबल होते किसी डॉक्टर के पास, तो फिर वो सारे फैमिली के लिए वो प्रॉब्लम बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर का? इसमें हम पढ़ेंगे कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही क्या होती है, फीमेल में नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न क्या होते हैं, और इसके साथ साथ और भी डिफरेंट टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? दो तरह के ऑर्गन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक्सटर्नल ऑर्गन भी होते हैं और इंटरनल ऑर्गन भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी केस में बात करें तो सबसे पहला जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल में, वो होता है आपके पास टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस तादाद में होता है दो, और टेस्टिस के ऊपर जो खोरज होते हैं स्किन का, उसको हम कहते हैं स्क्रोटम। और याद रखिए, टेस्टिस बॉडी से बाहर होती हैं, ठीक है। अच्छा, टेस्टिस के अंदर हमारे पास स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, स्पर्म पैदा होती हैं। अच्छा, स्पर्म टेस्टिस के अंदर जिस पार्ट में होते हैं उसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ठीक है। अच्छा,
इतना स्पर्म हमारे पास इन एडल्ट मेल मैन्युफैक्चर और 100 मिलियन स्पर्म सेल पर इज डे, यानी टेस्टिस के अंदर 100 मिलियन स्पर्म हर दिन, हर रोज़ 100 मिलियन स्पर्म जो है हमारे पास बनते हैं। अच्छा, फिर टेस्टिस से जाते हैं हमारे पास पीनस का, ठीक है। ये पीनस जो होता है ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, याद रखिए। अक्सर लोग कहते हैं ना ये पीनस बोन है, इट इज़ नॉट एक्चुअली बोन, इट इज़ मेड फ्रॉम इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू वो टिश्यू जिसको जब सिग्नल मिल जाते हैं तो वो इरेक्शन काज करती है, ठीक है। इरेक्शन का क्या मतलब कि फिर वो कंट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो हार्मोन पैदा होती है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टेरोन, ठीक है। कौन सा नाम? टेस्टेरोन। टेस्टेरोन इज अ हार्मोन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर सच एज बियर्ड, डीप वॉइस, ठीक है। तो ये आपके पास है टेस्टेरोन हार्मोन की फंक्शन। अच्छा, टेस्टेरोन हार्मोन ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मेल के अंदर पैदा होती है, और मेल में स्पेशली टेस्टिस के अंदर, और टेस्टिस में याद रखे स्पेशली टेस्टिस के अंदर सेल है जिसको लेडन सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, उस सेल के अंदर ये पैदा होती है। तो फिर इन हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को एनहांस करता है। क्या मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर? देखिए, जब कोई मेल एडल्ट स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसकी दाढ़ी होती है ना, जो बियर्ड होते हैं दाढ़ी, इसके साथ साथ उसका जो वॉइस होता है वो भी डीप होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आर्म पिट्स होता है इसके अंदर भी हेयर प्रोड्यूस होते हैं, और जो अंडर ग्रोइन एरिया होते हैं यानी पीनस के जो सराउंडेड अराउंडेड एरिया है उसके अंदर भी हेयर पैदा होती है, और इसके साथ साथ पीनस का जो साइज होता है वो भी लेंथ और डायमीटर यानी साइज में इनलार्ज होना शुरू होता है। तो ये क्या होते हैं? टेस्टोस्टेरोन का जो है ना फंक्शन है। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखे कि टेस्टोस्टेरोन फीमेल के अंदर भी पैदा होती है लेकिन वहाँ पर बहुत कम, ठीक है, और वहाँ पर वो पैदा होती है ओवेरिस के अंदर। अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी की अगर हम बात करें, देखिए जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जिसको कहते हैं ना ओवेरी, याद रखे इसको कहते हैं ओवेरी। ओवेरी दो होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है फीमेल में, एक राइट साइड पे होते हैं। अच्छा, फिर होता है ओविडक्ट। ओवरी से जो डक्ट निकला होता है इसको कहते हैं ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट वो डक्ट जिसमें ओवा मूव करता है, ओवा हरकत करता है ओवरी से जब वो फ्लो करता है टुवर्ड द यूट्रस। और ये जो है ना, ये आपके पास क्या है? यूट्रस है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? यूट्रस। यूट्रस क्या होती है? यूट्रस के अंदर जब एक्चुअली फॉर एग्जांपल स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजेशन होती है और फिर एम्ब्रियो में चेंज होता है और फिर फीटस में, तो यूट्रस में फीटस की इम्प्लांटेशन होती है। अच्छा, और यहाँ पर जो यूट्रस का ओपनिंग है इसको कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। इसको कहते हैं सर्विक्स। इस सर्विक्स के अंदर एक म्यूकस प्लग होता है, एक पर्दा होती है ना, ठीक है। और ये पर्दा होती है म्यूकस का बना होती है, और ये जो होता है ये आपके पास वजाइना है। तो सर्विक्स और वजाइना के मबेन यहाँ पर यूरेथ्रा होते हैं, ठीक है। और ये यूरेथ्रा फीमेल के अंदर शॉर्ट होते हैं और उसमें यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांसेस कम होती है। अच्छा, ये जो सर्विक्स होता है ये म्यूकस प्लग का बना होती है और ये आपके पास बंद होती है, ठीक है। और जब वो किसी फीमेल के साथ कोई मेल सेक्सुअल एक्टिविटी यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं तब ये म्यूकस प्लग ओपन होती है, ठीक है। क्यों ओपन होती है? क्योंकि स्पर्म से पहले मेल से एक सेमन जाता है और उस सेमन के अंदर एक प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती है सर्विक्स को ओपन करता है और फिर वो स्पर्म यूट्रस स्पिंटर होते हैं और फर्दर जाता है ओविडक्ट में, ओवा को फर्टिलाइज करते हैं। चल आते हैं, तो हमने कुछ एनाटॉमी की बात की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल ऑर्गन भी होते हैं और आपके पास इंटरनल ऑर्गन भी होते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम है? ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को एनहांस करता है। फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को एनहांस करता है। फॉर एग्जाम्पल किया देखिए, जब फीमेल कोई फीमेल प्यूबर्टी स्टेज पर पहुँच जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा करेक्टर है जो शो करते हैं कि ये फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंच गया। फॉर एग्जांपल वो कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर अगर कोई प्यूबर्ट फीमेल एडल्ट फीमेल की बात करें तो सबसे पहला उसका जो आर्म पीट्स है उसमें भी हेयर होते हैं ना, इसके अलावा जो प्यूबिक एरिया यानी वेजाइना के सराउंड अराउंड जो एरिया होते हैं वहाँ पर भी हेयर होते हैं, ठीक है, जनरेट होते हैं। इसके अलावा जो उसका ब्रेस्ट होते हैं सीना होते हैं, तो ब्रेस्ट के ऊपर जो हमारे पास ब्रेजर्स होते हैं, ठीक है, ब्रेजर इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, तो ये भी साइज में इन लार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, एस्ट्रोजन कंटिन्यू टू सिक्रीट थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द फीमेल, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन फीमेल एंड प्रोडक्शन ऑफ एग, ठीक है। अच्छा, एस्ट्रोजन जो होते हैं ना ये थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल में सिक्रीट होते हैं। याद रखिए, आपको पता होगी यानी हर माह हर मंथ एक एक आते हैं ना
रिसेट वर्ड्स द ओविडक्ट, ओविडक्ट में आते हैं बिल्कुल ये यूट्रस और ओविडक्ट के बिल्कुल टॉप के ऊपर। हर मंथ जब एक एक आता है तो वो एक इंतजार करते हैं स्पर्म के लिए, ठीक है। अगर स्पर्म इंटर हुआ और एट द लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब उसी ओवा को उसने फर्टिलाइज किया पैर थ्रू, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें जो लड़कियां फॉर एग्जांपल जो फीमेल एडल्ट स्टेट पे पहुंच जाती है, तो हम तो डायरेक्ट उसके शादी नहीं करते, शादी तो उसका काफ़ी टाइम बाद करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 16 साल पे एक फीमेल जो है ना वो एडल्ट पे पहुंच गया, तो हमें अक्सर टाइम शादी करते उधर 30-32 ईयर पे, ठीक है। तो ये कुछ साल के अंदर बार बार मेचुरल साइकिल होती है और हर मेचुरल साइकिल में ओवा जो होती है वो लार्ज होती है। अच्छा, जब ओवा आ जाता है और स्पर्म उसके साथ कंटेक्ट में नहीं होता तो ये ओवा एक लार्ज होता है, और जब लार्ज होता है तो ये यूट्रस के थ्रू आता है थ्रू सर्विक्स थ्रू वजाइना, तो बाहर निकल जाता है एक फ्लूइड फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जब ओवा रिलीज होता है, स्पर्म उसको फर्टिलाइज ना करे, तो ये जो यूट्रस है और यूट्रस का जो इनर लेयर है, ठीक है, इनर लेयर जिसको एंडोमीट्रियम कहते हैं, वो भी शेड होता है। अच्छा, जब एस्ट्रोजन खारिज होता है तो एस्ट्रोजन पेयर ये एंडोमीट्रियम जो होता था, ये जो इंटरनल लेयर है यूट्रस का पेयर, वो थीक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ओवा प्रोडक्शन में भी हेल्प देते हैं। अगर हम बात करें व्हाई टू स्टडी, हम क्यों स्टडी करते हैं, रीजन फॉर स्टडी ह्यूमन सेक्सुअलिटी इज दैट वी मे फेस वेरियस पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेक्सुअलिटी सच एज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअल हैरासमेंट। देखिए, हम क्यों पढ़ते हैं एफएन के अंदर सेक्सुअलिटी चैप्टर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अक्सर जब एक मेल एडल्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, फीमेल एडल्ट स्टेज पे पहुंच जाती है, और वो फॉर एग्जांपल कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं और उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पता नहीं है, तो कुछ ऐसी डिजीज है जो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करते वक्त ट्रांसमिट होते हैं, और ऐसी एक्टिविटीज जो सेक्स की वजह से ट्रांसमिट होते हैं, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो अगर आप उस वक्त एक प्रोटेक्टिव सेक्स ना करें, अनप्रोटेक्टिव सेक्स करें, तो ये डिजीज मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में शिफ्ट हो सकती है, जिस तरह के आप हेपेटाइटिस वायरस है जो एड्स कास करते, गोनोरिया हुआ, ठीक है, HIV वायरस हुआ, ठीक है, मुख्तलिफ ऐसे डिजीज है जो सेक्स की वजह से ट्रांसमिट हो सकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी में आप दो तरह की बात कर सकते हैं, या तो कभी कभार फॉर एग्जांपल एक मेल किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है लेकिन वो चाहते हैं कि ताकि फीमेल प्रेग्नेंट ना हो जाए, ठीक है, तो कौन सी एक्टिविटीज़ करना होगी ताकि आपको किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करें और प्रेग्नेंट भी ना हो जाए। जब तक आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पता नहीं हो तो आप ऐसे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन एक बार कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और वो अपना जो उसके फीटस होते हैं वो लॉस करना चाहते, ठीक है, तो आप कैसा उसको लॉस करेंगे, ठीक है, ये भी एक अनवांटेड प्रेगनेंसी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा हो जाए, तो इसको भी इसके लिए भी आपने क्या करना होगी, ये सेक्सुअलिटी का चैप्टर लाजमी होता है। इसके अलावा अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें, सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब ये कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उसके साथ बड़े लोग जो होते हैं ना ज़बरदस्ती से सेक्स करवाते हैं ना, तो फिर होता क्या, देखिए आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कोई 6-7 साल का बच्चा और उसके साथ कोई 40-42-45 एज का बंदा अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे, तो जाहिर सी बात है इन बच्ची के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो तो काफ़ी सॉफ्ट होता है ना, और ये जो 40-42 ईयर का बंदा है इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो तो जाहिर सी बात है काफ़ी मेच्योर होते हैं, तो बच्ची इसको टॉलरेट बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इन हाई तकलीफ की वजह से कभी कभार हो सकती है बच्चा, वो बच्ची मर भी जाती है ना, ठीक है, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब आपकी जो एडल्ट मेल का एडल्ट होना और फीमेल का एडल्ट होना लाजमी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एज वाला बंदा अगर बच्ची के साथ हरासमेंट करे तो जाहिर सी बात है वो फिर नुकसानदेह होते हैं, या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल का एज काफ़ी ज़्यादा होती है और वो जो मेल सेलेक्ट करते हैं उसका एज बहुत कम होती है, और जाहिर सी बात है जब फिर भी ऐसे वक्त में भी अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे फिर भी नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि उस बच्चे के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन काफ़ी लोज होती है और इस वक्त उसके टेस्टिस को काफ़ी नुकसान होते हैं, ठीक है, तो इनसे हमें दूर रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम सेक्सुअलिटी पैटर्न की बात करें, सेक्सुअलिटी इज अ स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग सेक्सुअल इंक्लूडिंग द कलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल एट कंप्राइजेस ऑफ। अच्छा, सेक्सुअलिटी पैटर्न जाहिर सी बात है खसूसियात का एक मजमुआ होते हैं, एक खसूसियात हो, एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक होता है, और उस स्पेशल करेक्टरिस्टिक भी हम ये बात कह सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। मतलब ये है सेक्सुअलिटी पैटर्न का कि मेल के अंदर अपनी कुछ खसूसियात होते हैं जिसके बेस पर हम कहते हैं कि ये मेल है, फीमेल का अपना एक खसूसियात होते हैं जिसके बेस पर हम कहते हैं कि ये फीमेल है। आप मेल को फीमेल नहीं कंसिडर कर सकते, फीमेल को मेल नहीं कंसिडर कर सकते, क्यों, क्योंकि ये इन
उनका अपना अपना करेक्टरिस्टिक होती है और इसको कहते हैं सेक्सुअलिटी पैटर्न, क्या आप मेल और फीमेल को करेक्टरिस्टिक बेस पे एक दूसरे से डिफरेंस करें। अच्छा, ये है पैटर्न में है क्या? सबसे पहले आपके पास आते हैं सेक्सुअलिटी आइडेंटिटी, सेक्स रोल, सेक्स परफॉर्मेंस, सोशल नॉर्म्स। अब एक एक को आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें सेक्सुअल आइडेंटिटी या जेंडर आइडेंटिटी, एनाटॉमिकल स्टेट ऑफ बीइंग मेल एंड फीमेल रिजल्ट फ्रॉम जेनेटिक एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस, इट इज अ सेंस ऑफ वन सेल्फ मेल और फीमेल, कैरेक्टरिस्टिक डेवलप 8 मंथ टू 3 ईयर। अच्छा, सबसे पहला जो सेक्सुअल पैटर्न में आता है वो सेक्सुअल आइडेंटिटी है। अच्छा, ये जेंडर हम डिफरेंस करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एनाटॉमी के बेस पे और हार्मोन पे बेस पे। क्या मतलब? इसका मतलब ये देखिए, मेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एनाटॉमी है कि अगर किसी जेंडर में पीनस था तो हम बात करेंगे कि ये मेल है, लेकिन अगर किसी जेंडर में पीनस की बजाय वजाइना था तो हम बात करेंगे कि ये फीमेल है। ऐसा तो नहीं हो सकते कि किसी जेंडर के अंदर वजाइना है आप उसको मेल कंसिडर करें, या किसी जेंडर के अंदर पीनस है आप उसको फीमेल कंसिडर करते। नहीं, पीनस बात करती मेल की, वे जाए ना बात करती फीमेल की। अच्छा, दूसरी बात होगा हार्मोन का। अगर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन था तब हम फैसला करेंगे कि ये मेल है, लेकिन अगर हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन था तब हम फैसला करेंगे कि ये फीमेल है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब बंदा 8 मंथ से लेकर 3 साल का होता है, 8 मंथ से लेकर 3 साल तक, तो बच्चा खुद बहुत ये फील कर सकते कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। ठीक है, तो ये जेंडर आइडेंटिटी हुआ। हम बात करते हैं सेक्स रोल का। सेक्स रोल का क्या मतलब? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वन ओन जेंडर थ्रू बिहेवियर, फीलिंग, एटीट्यूड, कल्चरली डिफाइन एज फेमिनिन एंड मस्कुलिन रोल। अच्छा, देखिए सेक्स रोल का मतलब ये कि मेल का अपना एक बिहेवियर होता है, अपना एक एटीट्यूड होता है, उसका अपना एक फीलिंग होता है, उन बिहेवियर उन एटीट्यूड इन फीलिंग एक्सप्रेस करते कि तू मेल है। फीमेल का अपना बिहेवियर होते, अपना उसके एटीट्यूड होते, उसका अपना कुछ फीलिंग होते, और इन सब के बेस पर हम कहते हैं कि तो फीमेल है। मेल का बिहेवियर फीमेल के बिहेवियर से डिफरेंट होते, मेल का एटीट्यूड फीमेल के एटीट्यूड से डिफरेंट होते, मेल का फीलिंग फीमेल की फीलिंग से डिफरेंट होते, और इन तीन चीज़ों के बेस पे जब आप एक्सप्रेस करें कि ये मेल है ये फीमेल है तो ये सेक्स रोल में आते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, कल्चर भी ये बात कर रहे हैं, कल्चर भी ये बात कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हैं तो ये मेल होगा, लेकिन अगर ऐसा बिहेवियर शो करेंगे तो ये क्या होगा? फीमेल होगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करें, सेक्सुअल ओरिएंटेशन इट इज़ अ फीलिंग ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड अ सेक्सुअल पार्टनर। अच्छा, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेल हो तो मेरा अट्रैक्शन होगी, मेरा सेकंड पार्टनर मैं फीमेल को सेलेक्ट करूंगा, लेकिन अगर कोई फीमेल है तो अपना सेकंड पार्टनर मेल को सेलेक्ट करेगा। अब मेल टुवर्ड फीमेल या फीमेल टुवर्ड मेल, ये जो अट्रैक्शन है इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। अब ये तीन तरह की होती है, हेटेरोसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल। मैं सिंपल अल्फाज में आपको समझाना चाहता हूँ, होमोसेक्सुअल का मतलब ये है कि अगर कोई मेल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए किसी मेल को सेलेक्ट करे तो इसको कहते हैं होमोसेक्सुअल। होमो मीन सेम, जिसका जेंडर सेम हो, मतलब अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल मेल के माँ बहन होता है तो ये होमोसेक्सुअल हुआ, या फीमेल फीमेल के माँ बहन होता है तो ये हुआ आपके पास होमोसेक्सुअल। अब एक क्वेश्चन होता है कि मेल मेल के माँ बहन कैसा हो सकती है, फीमेल फीमेल, ये आप लोग खुद अच्छी तरह समझ सकते हैं। अच्छा, हेटेरोसेक्सुअल का क्या मतलब? हेटेरो मीन्स डिफरेंट, अपोजिट, अगर जेंडर अपोजिट हो, मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई मेल हो और मैं कोई सेक्सुअल एक्टिविटी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए फीमेल को सेलेक्ट करो तो चूंकि अपोजिट जेंडर है, अब ऐसा सेक्सुअल एक्टिविटी को हम कहते हैं हेटेरोसेक्सुअल। या अगर कोई फीमेल है वो अपना सेकंड पार्टनर सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए कोई मेल को सेलेक्ट करे तो ये हुआ हेटेरोसेक्सुअल। अब बाईसेक्सुअल क्या क्या मतलब? बाईसेक्सुअल का मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मेल हूँ, ठीक है, अब मैं अपने सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए किसी फीमेल को भी सेलेक्ट करूँ, मेल को भी सेलेक्ट करूँ, यानी मतलब मैं अपना सेक्सुअल एक्टिविटीज किसी फीमेल के साथ भी परफॉर्म करना चाहता हूँ, मेल के साथ भी, तो ये हुआ बाईसेक्सुअल। बाई मीन्स कि आप दोनों के साथ एट अ टाइम सेक्स सेक्सुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करने की फीलिंग है आप में, ठीक है। लेकिन अगर कोई फीमेल है, मिसाल के तौर पर वो चाहते हैं कि मैं किसी फीमेल के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में हो और कोई मेल के साथ भी, यानी एक फीमेल एट ए टाइम दोनों जेंडर के साथ क्या करना चाहते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये आपके पास हो बाईसेक्सुअल, ठीक है। अच्छा, सोशल नॉर्म्स का क्या मतलब है? ईच सोसाइटी हैज देयर ओन एंड डिफरेंट नॉर्म्स रिगार्डिंग प्री मैरिटल सेक्स, सेक्सुअल कंसेंट, मैनी अदर सेक्सुअल बिहेवियर, मोस्टली इन्फ्लुएंस बाई रिलीजन एंड कल्चर। अच्छा, सोशल नॉर्म्स का सिंपल मतलब ये है, याद रखें, हर सोसाइटी में एक रिलीजन होता है, एक हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है, ठीक है।
हर सोसाइटी अपने रिलीजन और कल्चर पे बेस पे वैल्यू देते हैं जेंडर को, मेल को उसका अपना वैल्यू देते हैं, फीमेल को अपना वैल्यू देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी मुस्लिम सोसाइटी की बात करूँ तो उसमें मेल को वैल्यू दिया जाता है कि आप बाहर जाए, बाजारों में जाए, मार्केटों में जाए, सौदा करे, ठीक है, कारोबार करे, गाड़ियाँ चलाए, कुछ भी करे, लेकिन फीमेल को कहते हैं कि आप घर के चार दीवारी के अंदर रहें, ठीक है, घर के अंदर जितना भी काम है वो करें। लेकिन अगर आप यूरोप सोसाइटी की बात करें तो यूरोप सोसाइटी जो जो वैल्यू मेल को देते हैं वही वैल्यू फीमेल के देते हैं, देखिए मेल को ये इजाज़त दी है कि आप बाहर जो भी करना चाहते हैं, मार्केट बाजारों में बिजनेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, फीमेल को भी ये अलाउड है, मेल को बाई ड्राइविंग का अलाउड है, फीमेल को भी ड्राइविंग का अलाउड है, लेकिन मुस्लिम सोसाइटी में फीमेल को तो ड्राइविंग का अलाउड नहीं देते, ठीक है। और मेल ओपन फेस होते हैं यूरोप सोसाइटी के अंदर, फीमेल भी यूरोप सोसाइटी का ओपन फेस होते हैं, लेकिन अगर आप मुस्लिम सोसाइटी की बात करें तो फीमेल जब बाहर आते हो तो उसका पर्दा होते हैं ना, ठीक है, ये सोशल नॉर्मस हुई। अच्छा, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैटर्न की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैटर्न इज अ यूनियन दैट रिजल्ट इन इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सक्सेसफुली परफॉर्म करें तो आपके बच्चे पैदा होंगे, और जब आपके बच्चे पैदा होंगे तो आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, यानी रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में आपके पास ऑफस्प्रिंग पैदा होगी और ऑफस्प्रिंग आपको आबादी बढ़ाने में हेल्प देगा, ठीक है। और रिप्रोडक्शन ये एक कंपोनेंट है सेक्सुअलिटी का। अगर हम नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न की बात करें तो ये फोर स्टेज पे मुश्तमिल होते हैं। स्टेज नंबर फर्स्ट, एक्साइटमेंट, प्लेटो, ऑर्गेज्म, रिजोल्यूशन। एक एक स्टेज को आगे हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्साइटमेंट फेज की, ठीक है। एक्साइटमेंट फेज, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द होमोसेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल, ठीक है। ये जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल इसका पहला स्टेज है, ठीक है, क्लियर। इट अकर इज द रिजल्ट ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल स्टिमुलेशन दैट लीड टू सेक्सुअल एरोसल। अच्छा, एक्साइटमेंट में होता क्या, एक्साइटमेंट में ये होता है कि जब भी कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हैं तो उससे पहले आपके ज़हन में एक आइडिया आते हैं कि मैंने इस टाइम पे सेक्स परफॉर्म करना है, फलाना जेंडर के साथ मैंने सेक्स परफॉर्म करना है। तो मेंटली और उसके साथ साथ जब आपकी ज़हन में बात आती है तो आप फिजिकली भी आप में से कुछ चेंजेस आते हैं, तो ये होते हैं एक्साइटमेंट। अच्छा, एक्साइटमेंट जब भी आप कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, मेल के लिए भी एक्साइटमेंट होना लाजमी है, फीमेल के लिए भी एक्साइटमेंट होना लाजमी है। मतलब अगर आप मेल एक्साइट हो लेकिन फीमेल एक्साइट ना हो तब भी ऐसी वक्त जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता, दोनों का एक्साइटमेंट होना लाजमी होती है। अब मेल का एक्साइटमेंट होना तो वो कोई फोटो वीडियो देखते हैं, लेकिन फीमेल का एक्साइट होना, देखिए, यू विल नेवर सीन वीडियो एंड फोटो टू द फीमेल ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। उसको एक्साइटमेंट का अपना तरीकेकार होते हैं, उसके साथ मिसाल के तौर पर आप किसिंग कर सकते हो, ठीक है, सिंपल कैसिंग, लिप्स कैसिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा उसका जो ब्रेस्ट एरिया है उसको आप टच करें फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड एट डिफरेंट वैरायटीज, तो इसके साथ आप उसको एक्साइट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास होते हैं प्लेटो फेस। प्लेटो फेस का सिंपल मतलब ये है कि जब आप मेंटली और फिजिकली यानी जो आपका सेक्सुअल एरोसल है तो आपको सेक्सुअल ख्वाहिशात है वो पीक पे पहुँच जाए। मिसाल के तौर पर आप अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं, अब आप उसके साथ क्लोज कॉन्टेक्ट में आए लेकिन अभी तक आपने वो एक्टिविटी स्टार्ट किया नहीं, लेकिन आप बिल्कुल पीक पर है, तो ये आपके पास हुआ प्लेटो फेज। अगर हम ऑर्गेज्म फेज की बात करें, ऑर्गेज्म फेज क्या होता है, इट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द प्लेटो फेज ऑफ द सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल। ये प्लेटो फेज का कंक्लूजन होते हैं, ठीक है, किस तरह कंक्लूजन होते हैं, क्योंकि प्लेटो फेज में तो आप पीक पर होते हैं, अभी आप कुछ चीज़ें परफॉर्म करना चाहते हो। इट इज अकॉम्पनीड बाय द क्विक साइकिल ऑफ द मसल कंट्रैक्शन इन द लोअर पेल्विक मसल विच सराउंडेड बोथ एनस एंड प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेज्म। अच्छा, होता क्या कि ऑर्गेज्म फेज के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मिसाल के तौर पर पीनस बिल्कुल इरेक्ट फॉर्म में होती है, ठीक है। इसके तरह अलावा आपका जो, देखिए, ये पीनस के साथ साथ जो एनस होता है ना, एनस का मेल की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी कंट्रैक्ट होते हैं। अगर आप फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो वेजाइनल एरिया है वहाँ पर जो मसल्स है वो भी कंट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, और उसका जो एनल एरिया है वो भी कंट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, और बिल्कुल ये स्टेज की आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आप इसी टाइम को परफॉर्म करेंगे। अच्छा, रिजोल्यूशन फेज में क्या होते हैं, अगर आफ्टर ऑर्गेज्म एंड अलाउ द मसल टू रिलैक्स, ब्लड प्रेशर टू ड्रॉप एंड द बॉडी टू स्लो डाउन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। रिजोल्यूशन फेज में होता है क्या कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मेल है उसने सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट किया, अब टाइम के साथ साथ वो डिस्चार्ज हो गया, यानी मतलब स्पर्म उसकी बॉडी से बाहर गया। अब जब स्पर्म बाहर गया, बंदर डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज, जैसा बंदर डिस्चार्ज होते तो मसल्स रिलैक्स होते, यानी पीनस का जो इरेक्शन है वो वीक होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, बीपी बंदे का लो होती है और एक्साइटमेंट भी बंदे का कम होती है, यानी रिजोल्यूशन फेज में क्या होते हैं कि बंदर डिस्चार्ज होते हैं, स्पर्म बॉडी से निकल जाता है, ठीक है, तो उसका बीपी भी लो होती है, जो पीनस का इरेक्शन होता है
होते हैं वो भी कम हो जाती है, ठीक है, और एक्साइटमेंट भी आपके पास कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें ये रिजोल्यूशन फेज की, याद रखिए रिजोल्यूशन फेज मेल जैसे भी डिस्चार्ज होते हैं वो रिजोल्यूशन फेज पर कंप्लीट होते हैं, लेकिन फीमेल का जो रिजोल्यूशन फेज होता है ये थोड़ी सी लांगर होती है। मतलब अगर बंदा डिस्चार्ज भी होते हैं तो फीमेल उसी टाइम पे इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो चाहती है कि हमें फर्दर भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। अच्छा, बाकी स्लाइड के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट जनरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। याद रखिए अगर आप अपने वाइफ के साथ हस्बैंड वाइफ रिलेशन होते हैं और आप उस वक्त कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहला आपने क्या करना होगी कि मिसाल के तौर पर कोई फीमेल है, आप भी एक्साइटमेंट है, वो भी एक्साइटमेंट है, बिल्कुल ठीक है, सबसे पहला स्टेज। दूसरा स्टेज आपने प्लेटो का भी कंप्लीट किया। अच्छा, ऑर्गेज्म फेज में क्या करना होगी कि जो फीमेल है, फीमेल का जो बटक एरिया है मींस जो वेजाइनल एरिया है उसको थोड़ी सी अभाव रखना होगी और जो हेड रीजन है उसको थोड़ी सी मतलब लो रखना होगी, लो हाइट पे, ठीक है। इसके बाद जब आप मतलब डिस्चार्ज होती है फीमेल के अंदर स्पर्म एंटर हो जाती हैं तो दूसरी बात ये कि वो फीमेल को कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना होगी, वो डायरेक्ट उठना नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जो स्पर्म फॉर एग्जांपल यूट्रस पे एंटर हो गए और वो डायरेक्ट उठ गया कुछ काम करना चाहते तो वो फिर चूँकि स्पर्म काफ़ी स्लोली चल जाते हैं टुवर्ड द ओविडक, फिर काफ़ी कम चांसेस होते कि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। फिर वो स्पर्म वापस आना शुरू होते और वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाती, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज हो गए किसी फीमेल के अंदर तो कुछ टाइम के लिए वो अपने बेड पर रेस्ट करेंगे और फिर 1 or 2 minutes के लिए वो राइट पोजिशन पर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा जो लास्ट फेज, कभी कभार होता ऐसा है ना कि आप प्रेगनेंसी को नहीं करना चाहते, तो अगर प्रेगनेंसी को आप नहीं करना चाहते, आप चाहते कि फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, तो कोशिश ये करेंगे कि फिर आप कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते वक्त आप किसी प्रोटेक्टिव चीज़ का यूज़ करें, जिस तरह के आपके पास कंडोम होते हैं तो कंडोम को आप यूज़ करें, ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी हो जाए फिर बाद में उसको प्रेगनेंसी को लॉस करना पड़ेगा, तो चूँकि ये एक इलीगल है, ठीक है। तो अगर आपको इन लेक्चर में कोई बात ऐसा लगा हो जो थोड़ी सी आउट ऑफ कोर्स हो, आपको ठीक नहीं लग रहा हो तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर देट, लेकिन इन चीज़ों को बताना हमारे लिए बहुत लाजमी है क्योंकि अक्सर लोग इससे उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता, अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते तो बाद में उसके लिए कोई प्रॉब्लम बन जाते। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।